हेलो फ्रेंड्स, राहुल ससौंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद में मैथ एंड साइंस के लिए यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे। स्टूडेंटों के जो मार्क्स हैं, ज़्यादातर केस में मार्क्स सेकंड आंसर की आने के बाद में घट गए हैं, और जो स्टूडेंटों ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में, तो उस आधार पर हम यहाँ पर आपको कट ऑफ बताएंगे मैथ एंड साइंस के लिए। ये जो आपकी कट ऑफ है वो हज़ारों स्टूडेंटों के डाटा के आधार पर होगी, और यहाँ पर जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे, उम्मीद है कि जो बीपीएससी द्वारा जो कट ऑफ जारी की जाएगी वो लगभग इसी रेंज में कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेगी। तो चलिए देखते हैं फिर हम मैथ एंड साइंस के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में, जो स्टूडेंटों ने अपने क्वेश्चन चेक किए हैं और उस आधार पर जो क्वेश्चन बताए गए उसके आधार पर हम यहाँ पर कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले तो रिक्तियों के बारे में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की कट ऑफ या किसी भी पेपर की कट ऑफ जाने का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि उसमें वैकेंसियाँ कितनी है। तो अगर बात करें हम मैथ एंड साइंस के लिए, तो यूआर में जो मेल के लिए जो वैकेंसी है वो 2272 है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसी है वो 580 है, बीसी के लिए जो वैकेंसी वो 678 है, ईबीसी के लिए जो वैकेंसी है वो 1018 है, एससी के लिए 907 है और एसटी के लिए 54 है। ऑल ओवर जो बात की जाए मेल के लिए, तो वैकेंसी की संख्या कितनी है 5850 यानी 5850 है। वही बात हम अगर फीमेल के लिए कर लें, तो यूआर में देखिए मेल से ज़्यादा वैकेंसी है फीमेल की 2315 है, ईडब्ल्यूएस में 561 है, बीसी में 694 है, ईबीसी में 1042 है। बात करें एससी की तो 925 है, एसटी में 71 है। ऑल ओवर जो वैकेंसी है वो 5608 है फीमेल की। अब देखिए यहाँ पर हम कट ऑफ के बारे में आपको बताते हैं। देखिए आफ्टर सेकंड प्रोविजनल आंसर की जो मैथ एंड साइंस की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ इस रेंज में रहने की उम्मीद है। देखिए कट ऑफ के लिए अगर बात करें मेल के लिए, तो मेल में जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 73 से 75 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं मैथ एंड साइंस में, वो भी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में, तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं 73 प्लस एबव 73-75 मार्क्स की रेंज में, इससे अब जो बन रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अगर बात करें ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की, तो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में आपके 66 से 67 यानी 66 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ माने। अगर बात करें बी सी कैटेगरी की, तो बी सी कैटेगरी में आपके अगर 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं मैथ एंड साइंस में। अगर बात करें ई बी सी कैटेगरी की, तो अगर आपके 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ माने। अगर बात करें हम एस सी कैटेगरी की, तो अगर आपके 58 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को मेल कैटेगरी में मैथ एंड साइंस में सेफ समझ सकते हैं। अगर बात करें एस टी की, तो एस टी में 55 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को मैथ एंड साइंस में बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। ये हमने हज़ारों स्टूडेंटों के मार्क्स के डाटा जो शेयर किए गए उसके आधार पर आपको बताया है। अच्छा, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में देखिए मैथ एंड साइंस में अगर आपके यू आर कैटेगरी में 65 प्लस एबव मार्क्स बन रहे हैं, 65 से क्रॉस हैं अगर आप इस राउंड फिगर में, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। अगर बात करें हम ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की, तो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में अगर आपके 58 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। अगर बात करें हम ई बी सी की, तो ई बी सी में 57 प्लस मार्क्स। बात करें बी सी कैटेगरी में, तो बी सी कैटेगरी में अगर आपके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर बात करें एस सी के लिए, तो एस सी के लिए 52 प्लस मार्क्स, और एस टी कैटेगरी में अगर आपके 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं फीमेल कैटेगरी से, तो आप मैथ एंड साइंस में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। देखिए अगर आपने हमारे जो क्वेश्चन चेंज किए गए हैं मैथ एंड साइंस में, उसका अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हुए हैं, अगर आपने मैच नहीं किया है, मैच क्वेश्चनों को अगर नहीं किया हुआ है, तो हमारे चैनल पर वीडियो डला हुआ है, वहाँ से आप अपने क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि मैथ और साइंस में कौन से क्वेश्चन चेंज किए गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।